हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास डेफिनेशन इनसाइड द क्लास। लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स देखेंगे आउटसाइड द क्लास में क्या क्या मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं। सो डिफरेंट क्लासेस कैन यूज द सेम फंक्शन नेम विद द हेल्प ऑफ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर विच डिटरमाइंस द स्कोप। तो एक फंक्शन मतलब मान लीजिए बहुत सारे फंक्शन का नाम सेम है, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन कौन से क्लास को बिलोंग करता है? उसके लिए हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस आप सिंटैक्स लिखिए, दैट इज डेटा टाइप, कौन से क्लास को बिलोंग करता है उस क्लास का नाम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर से फंक्शन का नेम और आर्ग्यूमेंट। तो उससे पता चल जाएगा कि कौन सा फंक्शन किस क्लास को बिलोंग करता है, उसका स्कोप भी पता चल जाएगा। ठीक है, मेंबर फंक्शन कैन एक्सेस द प्राइवेट डेटा ऑफ अ क्लास, ये तो आपको पता है, बट नॉन मेंबर फंक्शन कैन नॉट डू सो। अगर एक फंक्शन विद इन द क्लास नहीं है तो वो किस तरह से प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर पाएगा? अगर वो प्राइवेट मेंबर फंक्शन नहीं है तो वो प्राइवेट डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। तो उस केस में भी हम लोग स्कोप रेजोल्यूशन यूज कर सकते हैं। ए मेंबर फंक्शन कैन कॉल ऑल मेंबर फंक्शन डायरेक्टली। अगर मतलब मान लीजिए क्लास में बहुत सारे मेंबर फंक्शन है, तो एक मेंबर फंक्शन बाकी सारे मेंबर फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर सकता है विदाउट यूजिंग एनी डॉट ऑपरेटर और ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये तो कुछ कॉन्सेप्ट थे आउटसाइड क्लास के। अभी इनसाइड क्लास देखेंगे। तो इनसाइड द क्लास डेफिनेशन क्या होता है? डायरेक्टली जहां पे आप डिक्लेयर करेंगे फंक्शन, वहीं पे ही आप उसको डिफाइन कर दीजिए विद द फंक्शन बॉडी, वो ही हो जाता है क्लास डेफिनेशन इनसाइड द क्लास। तो अनदर मेथड फॉर डिफाइनिंग अ मेंबर फंक्शन इज टू रिप्लेस द फंक्शन डिक्लेरेशन बाय एक्चुअल फंक्शन डेफिनेशन इनसाइड द क्लास। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि डिफाइनिंग अ मेंबर फंक्शन, हम लोग किस तरह से मेंबर फंक्शन को डिफाइन करेंगे, इज टू रिप्लेस द फंक्शन डिक्लेरेशन बाय एक्चुअल फंक्शन डेफिनेशन। तो ओनली फंक्शन डिक्लेरेशन के जगह हम लोग फंक्शन डिफाइन भी कर देंगे विद इन द क्लास इटसेल्फ। तो यहाँ पे क्लास आइटम है, क्लास चालू हो गया है, ये दोनों हो गए हैं प्राइवेट डेटा मेंबर्स, फिर पब्लिक के अंडर हम लोग ने दो मेंबर फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है। फर्स्ट तो डिक्लेरेशन हुआ है, void get data खाली डिक्लेयर किया है, लेकिन void put data जो है यहाँ पे टर्मिनेशन नहीं है, मतलब यहाँ पे हम लोग ने put data फंक्शन को ओनली डिक्लेयर नहीं किया है, क्योंकि इसके फंक्शन बॉडी एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब void put data जो है उसको हम लोग ने विद इन द क्लास डिफाइन किया है। तो कैसे डिफाइन किया है? सी आउट नंबर न्यू लाइन, सी आउट कॉस्ट न्यू लाइन, फिर क्लोज ऑफ द फंक्शन, क्लोजिंग ऑफ द क्लास, टर्मिनेशन। तो ये पर्टिकुलर चीज अगर आपको क्लास के अंदर मिले तो पता चलना चाहिए कि यहाँ पे क्लास डिफाइन किया हुआ है इनसाइड द सॉरी फंक्शन डिफाइन किया गया है इनसाइड द क्लास। ठीक है, सो व्हेन फंक्शन इज डिफाइंड विद इन अ क्लास इट इज ट्रीटेड एज अ इनलाइन फंक्शन। ये कभी कभी इंटरव्यू में आता है, व्हाट कैन बी इनलाइन फंक्शन, वहां पे तो आप इसका डेफिनेशन बता सकते हैं, लेकिन ये चीज भी बताना सही रहेगा कि जो भी फंक्शन क्लास के अंदर डिफाइन किया हुआ रहता है उसको इनलाइन फंक्शन भी बोलते हैं।